हमारे प्रेम भैया यानी कि सलमान खान प्रेम नाम की फिल्म क्यों बना रहे हैं? सूरज बड़जात्या सलमान खान को लेकर ही फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं? और इस फिल्म की कहानी क्या है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि आज भी घरों में पूरा परिवार एक साथ बैठ करके इन फिल्मों का आनंद लेता है। अब एक बार फिर से सूरज बड़जात्या सलमान खान के साथ एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं। हालांकि आजकल सूरज बड़जात्या अपने बेटे के साथ बिजी है, वो अपने बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन हाल ही फिलहाल सूरज बड़जात्या ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं भी मॉडर्न फिल्में बनाना चाहता हूं, पर मेरे द्वारा बनाई हुई मॉडर्न फिल्में कोई देखता ही नहीं। उनका कहना है कि लोग हमसे उम्मीदें करते हैं कि मैं परिवारवाद को लेकर ही फिल्में बनाऊं। अब जब लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं तो मैं उन्हीं कहानियों को दिखाऊंगा जिनको अपने घर परिवार और आसपास जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ बैठ करके आप फिल्में देखें। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सूरज बड़जात्या इस फिल्म का नाम प्रेम ही क्यों रखना चाहते हैं? प्रेम इसलिए रखना चाहते हैं कि सलमान खान की ज्यादातर फिल्मों में सलमान खान का नाम प्रेम, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इस फिल्म के माध्यम से वो सलमान खान को और ज्यादा रोमांटिक दिखाना चाहते हैं, यानी कि सलमान खान की जवानी ढल रही, वो इससे पहले बूढ़े हो जाए, वो सलमान खान का भरपूर यूज कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दशक में सलमान खान एक रोमांटिक हीरो के किरदार में तो नहीं नजर आ सकते, क्योंकि उनकी उम्र हो जाएगी। इसीलिए सूरज बड़जात्या उनके इस ढलती हुई उम्र का फायदा उठाना चाहते हैं और फिर से एक बार वो एक ऐसी पारिवारिक फिल्म बनाना चाहते हैं जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मिसाल बन जाए। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो परिवार के उस वर्ग को इंगित करती है जहां से परिवार में एक दरार हो जाती है, यानी कि फिर से वो हम साथ साथ हैं जैसे फिल्म थी वैसे ही फिल्म दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो एक ही बाप के सारी औलाद होगी, मतलब कि सगे भाइयों के बीच की कहानी होगी, और उसमें जो सास बहू वाला फ्लेवर होता है ना, जो एकता कपूर के सीरियल में आपको देखने को मिलता है, कहा जा रहा है कि सलमान खान की इस फिल्म में इस बार आपको सास बहू वाला फ्लेवर भी डाला जाएगा। और आपने एक और सीरियल टीवी पर देखा होगा भाभी घर पर, उस प्रकार की कॉमेडी भी इसमें डाली जाएगी, यानी कि इस बार सलमान खान की जो फिल्म होगी वो सिर्फ उसमें रोमांस नहीं होगा, कॉमेडी का भी तड़का होगा और लास्ट में हल्का सा एक्शन सीन होगा जैसा कि अक्सर राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं अपने अगली वीडियो में प्रेम फिल्म की कहानी क्या है उसको बताऊंगा और यह फिल्म बनाने की प्रेरणा सूरज बड़जात्या को कहां से मिली और आखिरकार इस फिल्म के माध्यम से सूरज बड़जात्या अपने पिता के सपनों को कैसे पूरा करें।